रविवार रात नगर में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना घटित हुई। एक अज्ञात कार चालक द्वारा सीमेंट रोड तिराहे पर खड़े दो बाइक सवारों को टक्कर मार कर घायल कर दिया। घटना में रामविलास कॉलोनी निवासी सीताराम पिता तुलसीराम ठाकुर अपने मित्र अनुज के साथ अपने घर वापस लौट रहा था। रास्ते में सीमेंट रोड तिराहे पर एक तेज रफ्तार अज्ञात कार चालक द्वारा बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार सड़क के एक ओर गिर गए। भीषण टक्कर में बाइक कार के बम्पर में अटक गई। दुर्घटना के बाद चालक तेजी से कार को भगाने लगा। बाइक भी कार में फंसी रहकर करीब एक किलोमीटर तक घसीटती गई। घटना स्थल से एक किलोमीटर दूर रिप्टा मंदिर के समीप क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली। घटना मंगलवार चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने बताया कि गनीमत रही कि भीषण दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सीसीटीवी कैमरे में कार का नंबर ट्रेस किया गया है। कार चालक ने विरुद्ध धारा 289 व धारा 237 के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। वहीं शहर में एक और सड़क दुर्घटना हो गई है। रविवार रात रामपुर निवासी युवक राजेश पिता छोटेलाल अग्रवाल को चीफ चालक क्रमांक MP5BA1467 के चालक द्वारा टक्कर मार कर घायल कर दिया। पुलिस ने बताया कि रविवार रात लगभग 1 बजे सिलारी चौराहे पर सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी कर अपने साथी से बात कर रहा था, तभी तेज रफ्तार जीप चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे युवक को चोटें आई हैं। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज किया है। आरोपित वाहन चालक की तलाश की जा रही है। ये गाड़ी धुसड़ा के जा रही है, देखो सब, ये रोक ना, जूम करके रोक, पीछे करके रोक।